दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए बनाने के प्रोसेस में। अभी मैं पहले से इसको काट दिया था और कढ़ाई भी गरम कर दिया हूँ, और अभी बनाने के प्रोसेस में चलेंगे। दोस्तों, तेल भी गरम हो चुका है। अभी पहले प्याज डाल देती हूँ। दोस्तों, आज हम ईंट के चूल्हा में बनाएंगे। मिर्च डाल देती हूँ, ज्यादा मिर्च नहीं डालेंगे। दोस्तों, ये है बीट रूट, ये गाजर और ये आलू है, और यहाँ पे गोभी है। इनके साथ हम करी बनाएंगे। अभी हम इसको डालेंगे, बीट रूट को काटे हुए सब सब्जियों को काटे डाल देंगे। हल्दी थोड़ा सा डाल देते हैं। हल्दी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी गोभी मिला देते हैं तो थोड़ा सा हम हल्दी मिला देते हैं। दोस्तों, अभी हम गोभी डाल देते हैं। लो फ्लेम में दोस्तों हम इसको पकाएंगे और ढक देंगे इसको थोड़ा सा। गांव में लकड़ी मिलता है तो कभी कभी लकड़ी में भी रसोई करते हैं दोस्तों, और कभी कभी गैस में, और ज़्यादा लकड़ी मिलता है यहाँ पे, इसलिए कभी कभार गैस में रसोई करते हैं और ज़्यादा टाइम लकड़ी में रसोई करते हैं। और आज हम ईंट के चूल्हा में बना रहे हैं, क्योंकि कल
हो गया था बहुत बारिश, इसलिए अभी हम ईंट के चूल्हा बनाए हैं और इसी में रोसे कर रहे हैं। और हवा दे रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है रोसे करने के लिए, अच्छा टेस्ट देने के लिए हम टमाटो को ऐड कर देते हैं। धनिया पत्ता डाल देंगे, दोस्तों ये पराठा के साथ रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों अभी हम नमक ऐड कर देंगे, कितना बढ़िया दिख रहा है, शायद बहुत टेस्टी लगेगा। दोस्तों हमारा नया रेसिपी रेडी है, पूरा बन के तैयार है। अभी हम घर को लेंगे इसको।